Okay. Keep quiet now. Okay. Thank you. 421K बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी एक एम तो था ही कि यूट्यूब में ग्रो करना ही करना है. एंड अभी लास्ट दो तीन साल में काफ़ी प्यार मिल रहा है. एंड यूट्यूब इज 421 आज की डेट पे हर दिन बढ़ रहा है. Yeah. बहुत जल्दी 1 मिलियन में मिलेंगे आपको. हाँ जी. एफर्ट तो देखो करना ही पड़ता है बिकॉज आप अगर एफर्ट नहीं करेंगे और ऑनेस्टली अपना काम नहीं करेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा. हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत गाने बनाते हैं, आधे गाने रिलीज़ नहीं करते बिकॉज उन पर कॉन्फिडेंस नहीं आता हमारा. बट येस, जिसमें हमें समझ आता है कि ये गाना अच्छा लग रहा है, हमें दिल को टच हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं अपने, तो ज़रूर उसको निकालते हैं बाहर. क्या क्या रहता है किस तरह से देखते हैं आर्टिस्ट भी देख रहे हैं आपके जो सॉन्ग्स देखा हूँ मैं उसको कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट है इस बार. राइट. उसके लिए क्या कहना चाहिए. सी द थिंग इज़ कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक फॉलो नहीं करता. मैं आपको जैसे बताया कि आई ट्राई टू फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स, क्या चाहे हिंदी हो चाहे वेस्टर्न हो चाहे पंजाबी हो. एंड म्यूज़िकली भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ. सो हर सॉन्ग में कुछ ना कुछ मैं अलग कोशिश करता हूँ करने की. और इनफैक्ट अगर मैं आप घर आएंगे स्टूडियो आएंगे तो मेरे डेटाबेस में कम से कम 300-400 गाने पड़े हुए हैं. तो हम सबको एक साथ मतलब जिसपे बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं गाने पे, 2-3 महीने लगाते हैं उसको बनाते हैं पूरे तरीके से और फिर उसको रिलीज़ करते हैं. हमारा तो एक क्राइटेरिया है. इंडिपेंडेंट जो सिंगर्स हैं अभी रिसेंटली बंद हो गया था हम बोल सकते हैं कि अब वापस से आ रहे हैं वो सब. बिल्कुल. किस तरह से देखते हैं आप. सी 90s में बहुत ज़्यादा था इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का. आपने देखा काफ़ी दिलेर मेहंदी और मोहित चौहान और लकी अली वगैरह आए थे. बट कुछ सालों में उनका लास्ट फ्यू ईयर्स अपना जो इंडिपेंडेंट सीन ख़त्म हो गया था एक तरह से. आई थिंक मेरे ख्याल से जीरो हो गया था एक तरह से. बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन, अभी एक डिजिटल रेवोल्यूशन हो गई है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास डेटा है एंड सारे हर किसी एंटरटेनमेंट हर किसी म्यूजिक जॉनर की आज की डेट में मार्केट है. पहले बिल्कुल रैप नहीं चलता था. रैप इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जॉनर्स इन इंडिया राइट नाउ बिकॉज के आप हर चीज़ प्रमोट कर सकते हो आज की डेट में. दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिक आई वुड से बिकॉज आपका हर बंदे के पास प्लेटफॉर्म है. कल को आप भी चाहें अपना कुछ लॉन्च करने के लिए आप कल अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम एवर. हाँ जी. OTT ओके. सोशल मीडिया जो है. राइट राइट राइट. क्या कहना चाहेंगे कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म मानते हैं आप यंगस्टर्स के लिए खासतौर पर जो न्यूकमर्स हैं. सी आज की डेट में दो चीज़ें हो गई हैं. एक तो सोशल मीडिया में आप जो डाल रहे हैं लोग उससे अगर रिलेट कर पाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा है. बिकॉज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म आज की डेट में हर चीज़ के लिए. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि अपने गानों को आपको अगर लोगों तक पहुँचाना है तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म. आप कितना यूज़ करते हैं. मैं करता हूँ, काफ़ी यूज़ करता हूँ, काफ़ी हद तक यूज़ करता हूँ. बट सारे दिन तो यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज काम भी होते हैं. बट जितना मैं कर सकता हूँ आई गिव माई बेस्ट टू कीप माई फैंस एंड माई फ्रेंड्स एंड माई फॉलोअर्स अपडेटेड. किन तरह के सिंगर्स को जो इंडिपेंडेंट सिंगर्स है उन्हें जो अभी इंडी म्यूजिक है आई थिंक वो काफ़ी सही काम करेंगे बिकॉज अभी वो शुरू ही हुआ है. हमें थोड़ा उनको 6-8 महीने 1 साल का टाइम देना पड़ेगा कि उनका रिजल्ट अचीव करने के लिए. बट मेरे को लग रहा है जो रेड इंडीज़ ने जो ये निकाला है ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक आई थिंक आइडिया और थॉट प्रोसेस है. आप दिल्ली से. हाँ जी. हाँ जी. क्या किसे देख के आप सीखे सिंगर देखा जाए तो गाना गाना कौन थे रोल मॉडल. बहुत सारे रोल मॉडल हैं. जब मैं स्कूल में था तो मैं के से काफ़ी इंस्पायर्ड था बिकॉज हमारे स्कूल के थे. देन एक बार माइकल जैक्सन इंडिया आए थे उनको देख के काफ़ी इंस्पायर हुआ. देन धीरे धीरे करके मैंने किशोर कुमार के गाने बाद में शुरू करे सुनने. उनसे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला. पंचम दास से इंस्पिरेशन मिला. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मतलब आई कांट नेम वन. कम से कम मेरे 100 या 200 इंस्पिरेशन होंगे. बहुत सारे सिंगर्स हैं. मैं क्या बताऊँ आपको. जैसे मेरा एक जो काफ़ी वेस्टर्न सिंगर है बड़े फेमस हैं उनके साथ मेरा बड़ा मन है रॉन कीटिंग के साथ करने का गाना. और एक ब्रूनो मार्स है. कभी अगर मौका मिला लाइफ में तो उनके साथ जरूर कुछ गाना करेंगे. वो इंग्लिश में गाएंगे मैं हिंदी में. इन वॉल्यूम अगर
कहीं पर भी कोई बॉलीवुड सिंगर्स की बात करें तो उसमें से कौन कौन है? बॉलीवुड सिंगर्स में अगर जो नहीं रहा एक्चुअली, मैं अगर मैं चांस मिले तो मैं पीछे जाऊंगा टाइम पे और किशोर कुमार के साथ जरूर कोशिश करूंगा गाना गाने की। अच्छा सर, घर से कितना प्रेशर मिलता है? क्योंकि नॉर्मली जो इंडियन फैमिली से वो नहीं कहती है कि आप जाके गाना गाइए, राइट राइट, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में आइए, तो इस बारे में क्या कहना है? आई थिंक अब थिंग्स चेंज हो गए धीरे धीरे करके। एक अगर आप 80s की बात करें ज़रूर ऐसा था कि बिकॉज सी एट द एंड कोई भी काम करते उसमें पैसा भी कमाना ज़रूरी है, घर भी चलना चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो अभी आज की डेट में पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी सपोर्टिव थे और आई थिंक सबके पेरेंट्स आजकल थोड़े चेंज हो गए हैं एंड दे आर ओके विद एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन एज लॉन्ग एज आप अपना काम कर रहे हो, ऑनेस्टली काम कर रहे हो और आप पैसे कमा पा रहे हो तो आई थिंक हर प्रोफेशन ठीक है। देखो मैं कोशिश करता हूँ रोज़ करने की, आई ट्राई टू डू माय रियाज एवरी डे इन द मॉर्निंग, बट मिस भी होता है ट्रैवलिंग के चक्कर में कभी कभी। 2000 से ज़्यादा आपने शोज भी किए हुए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किस तरह का एक्सपीरियंस वहाँ पे रहता है जो मैंने मैंने लाइफ मिलने वाला है? आई थिंक मैंने जो अपनी लाइफ जो सीखी है ना वो सिर्फ लाइव शो से सीखी है। सो अभी 13 साल का मेरे पास लाइव शोज का एक्सपीरियंस है, 2006 से लेकर 2019 बता 2000 से ज़्यादा शो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया की हर सिटी में, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम कैलकटा टू मुंबई, हर जगह मैंने शो किया। इनफैक्ट तो एक बार तो ऐसे हुआ था कि मेरा एक दिन कोवलम में शो था, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अगले दिन कश्मीर में था खाइबर में। सो एक एक्सपीरियंस मिला है मेरे को लाइव, एक मेरे को दुनिया जानने का मौका मिला है, एक लोगों से इंटरेक्शन करने का मेरे को एक और मौका मिला है और मेरे को लाइफ ने सूर्यवीर जो बनाया वो शोज़ की वजह से ही है, मैं सारा क्रेडिट उसको देता हूँ। बिकॉज एक अननोन लोगों से जो इंटरेक्शन करने का जो मौका मिलता है ना, वो भी स्टेज से, वो एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है और वो उसको सीखने में टाइम लगता है। क्या आज भी नर्वस होते हैं स्टेज पे जाने से पहले? क्योंकि नॉर्मली बड़े-बड़े सिंगर्स बोलते हैं कि हाँ हम नर्वस होते हैं, आपका क्या मानना है? मैं अब आई डोंट थिंक सो नर्वस होता हूँ अब बहुत टाइम, मुझको याद बहुत टाइम पहले शायद कोई शो हो तो नर्वस हो गया हूँ बट आई डोंट रिमेम्बर। हाँ एक दिल में बात, जैसे सचिन तेंदुलकर भी आई थिंक जब जाते होंगे क्रीज पे उनको भी तो लगता होगा कि आज अच्छा करना है, बस मेरे अंदर वही थॉट आता है कि आज अच्छा करना है। कभी ऐसा हुआ कि सॉन्ग करते करते कुछ हो गया, कुछ भूल गए सॉन्ग, तो बहुत बार किस तरह से मैनेज करते हो उसे? बहुत बार और उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमसे? अब तो मैंने सारे गाने मैंने याद कर लिए हैं बाय हार्ट बिकॉज मेरे को देख के गाना मैं को पसंद नहीं है बिकॉज मैं ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। सो कितनी बार हुआ मैं गाने भूल जाते हैं तो फिर मैं उस टाइम पर कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, बोलता हूँ चलो अब आप शायद में गाइए मेरे, या लोगों से बात करनी शुरू कर देता हूँ और तब तक याद करता हूँ दिमाग में और कभी भूल जाता हूँ, लोगों को यही बोलता है सॉरी गा लिरिक्स भूल गए आप को हेल्प कर दीजिए, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट, भूल गए तो भूल गए। तो फिर उस टाइम क्या ऑडियंस की क्या रिएक्शन रहता है? ऑडियंस को वेरी नाइस, ऑडियंस को प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियंस भी ऑनेस्टी ढूंढती है आप में, इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर ऑडियंस एंड योर म्यूजिक देन दे आर ओके विद यू। सर दो गाने आए हैं आपके अभी, हाँ जी फिलहाल दोनों मिलियंस में, क्या कहना चाहेंगे? कहने पे हर सिचुएशन देख के गाना बनाया था हम बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप डे आया था रिसेंटली वो भी गाना काफी चला। हाँ जी, जो बेसिकली मेरी लाइफ में फ्रेंडशिप डे एक बहुत ज़्यादा कीमती दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी लाइफ का फर्स्ट जो शो था एवर, फर्स्ट एवर पेड शो कॉलेज के बाद जब मैंने सोचा कि मेरे को काम करना है वो था फ्रेंडशिप डे पे, तब कैफ़े कॉफ़ी डे में मैंने परफॉर्म किया था, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था कैफ़े कॉफ़ी डे के मैनेजर्स ने और ये डिसाइड किया था ठीक है अब सूर्यवीर को हम यहाँ पर हायर करते हैं। सो एक तरह से तो मेरे लिए फ्रेंडशिप डे मेरे दिन का लाइफ का एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट दिन बन गया। उसके बाद 2015 में जब मेरा पहला गाना रिलीज़ किया था मैंने एज अ कवर, उससे पहले एक एल्बम ज़रूर की थी मैंने, दो एल्बम्स की थी, बट उस गाने ने मेरा जो नाम था और मेरा म्यूज़िक था पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, बिकॉज वो गाना हर किसी बंदे ने सुना, हर किसी ने डाउनलोड किया, हर किसी के प्लेलिस्ट में आया, वो भी फ्रेंडशिप डे पे था। उसके बाद से फ्रेंडशिप डे से प्यार ही हो गया मेरे को और हर फ्रेंडशिप डे पे कोई ना कोई ना गाना निकालता हूँ मैं, पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और अगले 5 साल भी जरूर करूँगा। हाँ जी, बागी विच में भी बहुत मेहनत की थी उस गाने में एंड क्योंकि ये गाना एक टप्पे है, फोक टप्पे, आपने बचपन से सुने होंगे, हर शादी पे बजते हैं, हर इवेंट पे बजते हैं, तो उसका मैं गाना बनाने की बड़ी कोशिश की थी मैंने एंड उस गाने ने बहुत प्यार दिया ऑफ कोर्स एंड उसके आई थिंक 5.5 मिलियन व्यूज़ हो गए। वो गाना आई थिंक एवरग्रीन रहेगा मेरे को ऐसा लगता है बिकॉज वेडिंग्स होती रहेंगी और टप्पे बजते रहेंगे, वो गाना चलते रहेगा
एंड आई वांट टू थैंक द ऑडियंस फॉर लाइकिंग दैट सॉन्ग सो मच. काफी गाने रिक्रिएट भी हो रहे हैं. हाँ जी हाँ जी. अगर किसी सॉन्ग को आपके किसी सॉन्ग को रिक्रिएट करना हो तो कौन सा सॉन्ग होगा? मेरे किसी सॉन्ग को कोई और रिक्रिएट करे, आई थिंक पहला वर्गी एक मैंने गाना निकाला था उसको रिक्रिएट कर सकते हैं. अच्छा सर. और किसी फिल्मों में यूज करना हो तो कौन सा गाना होगा अगर ऑफर मिले आगे चल के आपको तो? फिर मैंने और पहले कौन सा एक्टर होगा जिस पे वो सूटेबल होगा वो गाना? आई थिंक बागे बिच पे रणबीर कपूर काफी सूट करेगा. नहीं मेरे को ऐसा लगता है. नहीं एक्ट्रेस पे आई थिंक पहला वर्गी सूट करेगा दीपिका पे. रणवीर दीपिका हम बोल सकते हैं? नहीं नहीं अलग अलग पिक्चर देंगे, दो करेंगे ना, एक क्यों करेंगे. ओके. इसके अलावा से शिवानी कश्यप के साथ में भी आपका सॉन्ग आ रहा है, क्या है गाने सॉन्ग? सो आई नुसरत जी के है गाना और एक रेशमा जी का गाना है. बड़े है तो उससे भी पुराने गाने, बड़े फोक काफ़ी सालों से हैं गाने. एंड आई थिंक नुसरत जी ने उनका वर्जन किया था एक, और रेशमा जी ने भी एक वर्जन किया था दूसरे गाने का, अखियाँ उड़ीक दिया और वे में चोरी चोरी. तो उसका हमने एक मैशअप बनाया बड़े मॉडर्न वे में एंड वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बनाई जो अभी एडिट चल रही. नेक्स्ट मंथ आ रहा है गाना तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. आई होप ऑडियंस को पसंद आए और वैसा ही प्यार मिले जैसा मिलता है. किस तरह का एक्सपीरियंस वाली के साथ मिला? बहुत अच्छा. सी वॉज वेरी, एक तो मैं जब कॉलेज में था मेरे को गाना सजना काफ़ी सुनता था एंड फिर हमारी दोस्ती हुई एंड आई टोल्ड हर कि आपके साथ गाना करना है एंड बिकॉज हमारे बट कभी वो ट्रैवल कभी मैं ट्रैवल कभी मिल नहीं पाए मैं सच. इस बार बाई चांस वो दिल्ली में थी, हम लोगों ने एक दिन जैमिंग करी ऐसे घर पर बैठ के और जो गाना बन गया हमने कहा उसको रिकॉर्ड करते हैं और बस रिकॉर्ड कर दिया. शिवानी ने गाया? हाँ जी हाँ जी, आधा उन्होंने कहा आधा मैंने गाया. क्या कहना चाहेंगे फाइनली? फाइनली मैं कहते रहूँगा कि बी ऑनेस्ट विद योर वर्क जो लोग एस्पायरिंग हैं, और ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि आप कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप लविंग अस, शेयरिंग अस, गाने लाइक करिए, नेगेटिव कमेंट्स अब्यूजिव बिल्कुल ना होइए. आजकल क्योंकि ट्रेंड चल गया काफ़ी लोग इंटरनेट पर अब्यूजिव हो जाते हैं, उसको उस चीज़ के मैं काफ़ी ख़िलाफ़ हूँ कि उसके कोई पॉइंट नहीं है. आप नेगेटिविटी फैलाने का कोई पॉइंट नहीं. आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है मत सुनो एंड आपको जो नई चीज़ पसंद है मत देखो, बट अगर नहीं भी पसंद आ रही तो अब्यूज़िव होने, बिकॉज मैंने आजकल देखा ये ट्रेंड चल गया फॉर गेनिंग अटेंशन और कुछ किन्नी का काम नहीं होता कहीं लोगों के पास, उसके लिए हमें अब्यूज़िव हो जाते हैं इंटरनेट पर. हैश टैग वो अब्यूज़िव हो जाते हैं, कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बट ठीक है. बट फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे कंट्री में, पर आई थिंक ये ध्यान रखना चाहिए लोगों को. गाना मुझे बिल्कुल असने मारा ये है भाई, आईडिया पे भी अब्यूज़िव मैन. सॉरी कौन सा सुनेंगे आप? बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, इश्क जे कीता है जरा मिलिया मिलाया करो, इश्क जे कीता है जरा मिलिया मिलाया करो. याद मैनू आंदे हो, तुसी याद मैनू आंदे हो, जी मेरा नहीं लगदा आए बड़ा ही सतांदे हो, जी मेरा नहीं लगदा आए बड़ा ही सतांदे हो, तेरे बिना नहीं लगदा, तेरे बिना दिल नहीं लगदा, तेरे बिना नहीं लगदा, तेरे बिना दिल नहीं लगदा. थैंक यू. प्रमोट आवर न्यूज़ और आवर ओन सॉन्ग. आसिम न्यू सॉन्ग है एंड आई एंड एंड यार तेरी यारी. ओके ओके.
ओके आई एम गोइंग टू सिंग माय न्यू सॉन्ग रोज रोज मिलते हैं दिन from that side next to me but yeah re but ye sab bro aage nahi aa raha ab bol re I don't want this full fall okay main aa gaya okay aise ho this is such a good song you said it's not nice क्या हो गया क्या हो गया ओह लवली आई नीड दिस नाउ माय गॉड लव इट करूं ऐसे बैठ पीछे पीछे बैठे करूं या आगे बैठ के आगे थोड़ा बस रेडी रोज रोज मिलते हैं दिन और शाम रहते हैं साए जैसे थोड़े से सेंटी है थोड़े से मेंटल पक्के मेरे यार ऐसे सागर तू किनारा मैं चांद तू सितारा मैं पागल तू आवारा मैं तुझ पे जानवर आवे मेरे यार आवे तेरी यारी वे सबसे प्यारी वे यारा वे तेरी यारी वे मुझको है सबसे प्यारी वे मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर ना तू जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए यारा तेरी यारी मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना थैंक यू देखो यार सोफा वो मत दो ना गिटार मतलब थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि प्रोफेशनल टेक द गिटार आल्सो राइट They are standard to me. Okay, cool. Send me the ones you just took. Can I have it? Do I hold the phone on my in my hand or no? What is it? They told me something.